सो हेलो गाइस, एनके गेमिंग 77 यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, आज ये तुम्हारे भाई फिर से एक नई धमाकेदार वीडियो लेके आ गया, जिसके अंदर गाइस मैंने अपना रात में जैसे गेम लॉगिन किया ना, सो यार गेम में आ चुका था न्यू वेपन रॉयल का गन स्किन जो आया है अपना पेराफल। गाइस क्या ही ओपी गाइस, भाई क्या ही बोलूं यार, क्या ही तगड़ी यार गन स्किन लग रही है मेरे को। आपको कैसी लगी गाइस कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना, ओके। और गाइस यार मैंने काफ़ी बार देखा आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, भाई क्या ही हो रहा है ये सीन, ओके। सो यार वीडियो अच्छी लगती है आपको यार, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उसी के बाद में दिख रहा होगा आपको बेल आइकन, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कर लेना, ओके। सो यार यहाँ पे अपने गन स्किन खोलने की कोशिश करते हैं, बाउचर अपने पे 20-25 पड़े थे सर, उससे कोशिश करते हैं खोलने का, बट गाइस मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे अपना गन स्किन परमानेंट देने वाला है, क्योंकि ये मैं रात में स्पिन कर रहा था, ओके। और यार रात में तो कोई भी गन स्किन जल्दी मिलता है नहीं, और यार अगर आप कोई भी गन स्किन जैसे वेपन रॉयल का गन स्किन या फिर अनबॉक्सिंग कर रहे हो ना, तो गाइस आप है ना सबसे अच्छा टाइम है दोपहर का टाइम, ओके। 12 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कभी यार स्पिन मारो या फिर अनबॉक्सिंग करो, ओके गन की। सर आपकी 2-3 गन तो परमानेंट दे ही देंगे, ओके। सर चलो यार यहाँ पे अपने यार देखते हैं 10 का स्पिन मारते हैं और अपनी परमानेंट गन निकलती है या फिर नहीं निकलती है। गाइस क्या ही सीन हो गया यार, वो तो वीडियो में आगे चल के ही पता चलेगा, बट गाइस मेरे को नहीं लगता कि यार ये परमानेंट गन स्किन देने वाले, क्योंकि यार बाउचर में ये लोग जल्दी परमानेंट देते ही नहीं है, अगर आपका 100 का लक है तो ही देंगे गाइस, वरना बोल जाओ भाई ये इतनी आसानी से नहीं देते, ओके। सर चलो कोई नहीं यार, अपने यहाँ पे 3 बाउचर और पड़े हैं सर, उसको फटाफट स्पिन मार के अपने चलेंगे डायरेक्ट ट्रेनिंग रूम में, ओके। सर मेन मुद्दा अपना यही है कि पेराफल आपको ये गन निकालनी चाहिए या फिर नहीं निकालनी चाहिए, पूरे टेस्ट करके बताऊंगा मैं गाइस आपको, इससे हेडशॉट लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या सीन है ये गन का, ओके। सर चलो कोई नहीं यार, अब अपना एक स्पिन और मार के डायरेक्ट चलते हैं फिर ट्रेनिंग रूम के अंदर, ओके। सर काफ़ी देर के बाद अपने आ गए यहाँ पे ट्रेनिंग रूम में, और जैसे ही यहाँ पे भाई एनिमी, ओ भाई गाइस पहली ही गोली हेडशॉट, ओ माय गॉड गाइस क्या ही बोलो भाई, हेड ही हेड चेप रही यार, उसका डैमेज देखा कर, ओहो गाइस, ओ भाई 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 क्या ही हेड, ओ भाई गजब यार गजब, भाई मेरे को तो काफ़ी तगड़ी लगी यार, क्योंकि यार इसकी एक्यूरेसी डबल है और डैमेज सिंगल है सर, एक्यूरेसी मतलब ये पास रेंज में मिड रेंज में थोड़ा तगड़ा काम करने वाली, ओके। सर अगर आप मिड रेंज में आपको पेराफल मिल रही है सर आप यूज करना चाहते हो, तो यार मैं तो बोलता हूँ मेरा ओपिनियन है गाइस कि आपको निकालनी ही चाहिए, क्योंकि यार मिड रेंज में जैसा कि मैंने यहाँ पे चला के देखा गाइस क्या ही तगड़े हेडशॉट लग रहे हैं, ओके। सर आई थिंक अगर ये देखो सिंगल ही डैमेज है तो लॉन्ग रेंज में गाइस ये रिकॉइल कर सकती है, ओके लॉन्ग रेंज में, हाँ गाइस ध्यान रखना बात का, लॉन्ग रेंज में गन रिकॉइल कर सकती है, देखो जैसे यहाँ पे मेरी गन रिकॉइल मारती है वैसे आपके भी रिकॉइल मार सकती है, ओके। सो यार अगर आप लॉन्ग रेंज में पेराफल यूज करते हो तो थोड़ा देख देख के यार निकालना गन, ओके। बाकी यार आपके डायमंड आने में पड़े हो तो यार निकाल ही लो, ओके। सो यार मेरा तो ओपिनियन है कि निकाल ही लो यार, तो काफ़ी तगड़े हेडशॉट मार दिया यार, इसकी एक्यूरेसी डबल है प्लस सिंगल डैमेज है गाइस, यानी कि 37-38 यार इसका डैमेज, बॉडी शॉट भी काफ़ी तगड़ा मारेगी, ओके। सर चलो यहाँ पे अपने ने यहाँ पे आ गए CS रैंक मोड में, और यहाँ पे अपने यूज करके देखते हैं यार यहाँ पे हेडवेड लगता है या फिर नहीं लगता है, ओके। यहाँ पे अपने ने पेराफल गन स्किन उठा ली है, तो चलो यार देखते हैं सामने एनिमी आएगा तो उसकी पेटी बने, ओ भाई देखा गाइस क्या ही डैमेज दिया, जैसे मैंने बोला था गाइस 37 का बॉडी शॉट और हेड इसका गाइस 160 का, बंदे पे गाइस वो था लेवल 2 का वो हेलमेट था प्लस वेस्ट था, ओके वेस्ट पे भी गाइस ये मार रही थी अपनी 37 का 37 का ये डैमेज मार रही थी। सर मेरा ओपिनियन तो गाइस ये काफ़ी तगड़ी गन स्किन होने वाली है गाइस इन फ्यूचर, ओके। सर अभी भी काफ़ी तगड़ी ही चल रही है गाइस, मैंने जैसे यूज करके देखा यार मेरे को तो काफ़ी ओपी लगी, आपको कैसी लगी गाइस कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में जो इंक्यूबेटर चल रहा है, मतलब जो अभी इंक्यूबेटर चल रहा है MP5 गन स्किन का, ओके। सर नेक्स्ट इंक्यूबेटर कौन सा आने वाला है, कौन सा बंडल आएगा या फिर गन स्किन आएगा, सर उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन गाइस उसके लिए आपको करना पड़ेगा कमेंट, ओके। कमेंट करके बताओ गाइस कि नेक्स्ट इंक्यूबेटर पर हम लोग वीडियो बनाएं अथवा नहीं बनाएं, ओके। सर उसी के ऊपर अगर जैसे आपने बोल दिया कि हाँ बना दो भाई,
तो यार नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर होगी। ओके सर, चलो यार अब अपना मेन मुद्दा है यहाँ पे पैराफल गन स्किन यूज़ करने का। ओके सर, मैंने तो जहाँ तक टेस्ट करके देखा गाइस, काफ़ी तगड़ी यार मेरे को तो गन स्किन लगी, क्योंकि गाइस अगर ये मिड रेंज में भी एनमी आ रहा है, क्लोज रेंज में एनमी आ रहा है, सो गाइस ये हेड शॉट प्लस बॉडी शॉट काफ़ी तगड़ा डैमेज दे रही है यार, मेरे को तो काफ़ी तगड़ी यार गन स्किन लगी। आपको कैसे लगी गाइस मेरे को कमेंट करके जरूर बता दो। और हाँ, वीडियो को अगर आप अभी तक देखो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यार क्या कर रहे हो गाइस, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और उसी के बाजू में दिख रहा होगा आपको बेल आइकन, उसको दबा के ऑन नोटिफिकेशन पे जरूर प्रेस कर ही लेना। ओके, क्योंकि यार ये तुम्हारा भाई ऐसे धमाकेदार वीडियो लेके आता रहता है सर, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, जिसके लिए गाइस आपको प्रेस करना पड़ेगा ऑन नोटिफिकेशन पे। ओके सर, उसको भी दबा दो। ओके सर, चलते हैं यहाँ पे भी अपना चौथा राउंड है भाई, मैच पॉइंट है गाइस, क्या ही सीन हो रहा है गाइस अपने यार, यहाँ पे मैच जीते हारे उसे कोई लेना देना नहीं है, बट गाइस अपना मेन मुद्दा है पैराफल गन स्किन जो अभी न्यू आई है उसको यूज़ करना, कैसे काम कर रही है, हेडवेट मार भी रही है या फिर ऐसे गन स्किन इसके एट्रीब्यूट ऐसे ही तगड़े दे दिए सर। अगर इसका रेट ऑफ फायर डबल होता ना गाइस, तो यार ये गन में भाई चार चांद लग जाते। ओके भाई, इसका रेट ऑफ फायर थोड़ा कम है। ओके बट कोई नहीं यार, ये डैमेज तो काफ़ी तगड़ा देती है गाइस, जैसा कि अभी मैंने बताया गाइस, अभी यहाँ पे आपने देखा भी होगा वीडियो में गाइस, बॉडी शॉट 37 का मारे गाइस, काफ़ी तगड़ा, मतलब कि पांच गोली मारी आपने, पांच गोली भी मार दी सामने वाला एनमी ढेर हो जाएगा। ओके सर, मेरे को तो काफ़ी तगड़ी लगी यार, आप भी निकालो, अगर आप पे वाउचर पड़े डायमंड पड़े तो यार निकालो, और अगर नहीं पड़े तो कोई बात नहीं यार क्या ही कर सकते फिर तो। सो यार चलो, यहाँ पे एनमी आएगा तो भाई पेटी बनाएंगे गाइस, क्या ही करे, बट कोई मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे एनमी, ऊपर भी कोई नहीं नीचे भी कोई नहीं, भाई करे तो करे क्या कोई नहीं गाइस, चलो देखते भाई कोई दिख जाओ रे, कोई नहीं दिखाई दे रहा भाई, कहाँ गए बेटे, कहाँ गए भाई, ये इसको देखो लड़के को भाई, क्या ही सीन चल रहा है, ये हेडवेड मारेगी क्या भाई, फायरिंग का साउंड तो नीचे से आ रहा है, बट गाइस मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है एनमी। ओ भाई ये देखो सामने खड़ा है गाइस, इसका बॉडी शॉट 32 का, ओ भाई हेड देखा गाइस, बॉडी शॉट 32 का, मतलब कि 30 से नीचे का बॉडी शॉट तो कभी नहीं मारती गाइस ये गन स्किन। ओके और हेड शॉट इसका 225 भाई, मतलब कुछ भी, पहला बॉडी शॉट दिया 32 का, फिर दूसरा 225 का हेड शॉट, भाई क्या सीन है यार, काफ़ी तगड़ी यार ये गन स्किन होने वाली है, मेरे को तो काफ़ी तगड़ी लगी यार, अगर आप पे बाउचर या डायमंड पड़े तो गाइस मेरा ओपिनियन है आप निकाल ही लो। ओके सर, मेरे को तो काफ़ी, ओ भाई ये देखो 42 गाइस, क्या ही सीन चल रहा है यार, काफ़ी ओपी भाई, देखो 50 का डैमेज, ओ भाई क्या ही सीन है गाइस, मेरे को तो काफ़ी ओपी लगी, जैसा कि इसमें बोला था कि सिंगल डैमेज डबल एक्यूरेसी, पूरा काम ही अपना तगड़ी तरीके से कर रही है। ओके सर, मेरे को तो काफ़ी ओपी लगी गाइस ये गन स्किन, आपको कैसी लगी गाइस कमेंट कर दो यार, क्या ही कर रहे हो, अभी वीडियो देख रहे हो कमेंट नहीं कर रहे हो, क्या ही बोलूँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ओके गाइस, चैनल आप सब्सक्राइब करते नहीं, वीडियो देख ले तो बस हो गया काम, सब्सक्राइब कर दो यार। ओके सो भाई ये देखो क्या ही सीन हुआ गाइस, दोनों के दोनों डाउन हो गए सर। कोई नहीं यार, अपने ने पूरा यहाँ पे पैराफल गन स्किन का मैंने यहाँ पे रिव्यू करके बता दिया है कैसी गन स्किन है, आई थिंक तो यार आपको निकालनी ही चाहिए। ओके मेरे को तो काफ़ी ओपी लगी, आपको कैसी लगी गाइस कमेंट करके जरूर बता देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, उसके बाजू में दिख रहा होगा आपको बेल आइकन, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कर लेना। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय भाई लोग।